तो गाइस डे 11 की शुरुआत हो चुकी है। ये अभी चल रहे हैं ग्राउंड की तरफ फटाफट। और गाइस कल बहुत ही खतरनाक चीज हुई, हमने ना तब ग्राउंड से आए थे तो शूट करी थी दो वीडियोस, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो गायब होगी वीडियो, मतलब है ही नहीं इसमें। तो नहीं हो गया कहीं हमारे साथ, क्योंकि परसों की वीडियो में हमें भूत दिखाता हूँ, झूला अपने आप चलता हुआ। कल की वीडियो में हमारी तो वीडियोज डिलीट हो गई। अपने आप ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वीडियो तो बनी थी, दो बार वीडियो बनाई थी मैंने अलग अलग, एक बार की ग्राउंड से हम आ गए हैं और एक बार तब ये बनाई थी कि 10 दिन हो गए, तो मतलब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में। पर यार वो वीडियो है ही नहीं, मैंने खूब अच्छे से छान ली और बनाई थी, मेरे को अच्छे से याद है, पर है ही नहीं इसमें। अब बताओ पता नहीं क्या हुआ है, वो टेक्निकल इशू है या फिर भूत का इशू है। सब काम चल रहा है, पहुंच गए हैं आज ग्राउंड, बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई भी नहीं आया आज ग्राउंड में, बहुत कम पब्लिक है एकदम ना के बराबर, ये तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ। देखो भाई कितनी बात मानता है, और ये एक स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट डॉग। जोगर करके आ गए हैं, अब चल रहे हैं घर की तरफ, घर पहुंच के पानी वाला टास्क करेंगे। भैया जहाँ खुशियाँ मिलती हैं वहाँ चलोगे क्या? इग्नोर करके चले गए। देखो भाई हेडफोन लगा के क्या कर रहा है, देखो इसकी वीडियो से चलान कटेगा इसका, इसको चलान कटेगा भाई, इसका नंबर प्लेट ही नहीं है। पर छोले भटूरे खा रहा हूँ क्योंकि 10% मतलब 90% ऑफ द टाइम हमें हेल्दी फूड खाना है, तो थोड़ा बहुत तो चल जाता है इसमें, तो थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं, रात हमने नहीं खाए थे इसी वजह से कि कल खा लेंगे। ठीक है, अभी जो है जस्ट नहा के आया हूँ और अभी जूते पहन के चलते प्रैक्टिस करने हैं। और गाइस अभी मैंने एक मोटो ब्लॉग जो है एडिट किया है, और गाइस पूरे 2.5 घंटे लगे उसे एडिट करने में, पूरे 2.5 घंटे, मतलब सोच नहीं सकते यार आप, बहुत टाइम लग गया उसे एडिट करने में लिटरली। पर यह है कि इस बार ना आपको प्रॉब्लम, जैसे पिछली वाली वीडियो में ना बहुत ज़्यादा ऑडियो प्रॉब्लम थी, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो बस यही है गाइस, एडिटिंग बहुत ऐसी चीज़ होती है ना कि सब कुछ कुछ भी कर सकती है वो, तो वही अब थोड़ा सा पता चल गया है किस तरीके से करना है मोटो ब्लॉग्स को एडिट। गाइस अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगी वॉइस वाली। ठीक है, अब फटाफट शूज़ पहनते हैं और चलते हैं अपना प्रैक्टिस करने, शूज़ और पहनते हैं इन्हें फटाफट यूट्यूबर स्टाइल में। अभी आ गया हूँ प्रैक्टिस करने, ग्लव्स व्लव्स निकाल लें हैं अभी, अब चल रहे हैं अपना प्रैक्टिस करके आते हैं। अब क्या चाहिए? पीछे पीछे आ जाते हैं गाइस, अभी प्रैक्टिस करके आया हूँ, अब करता हूँ बाइक अंदर फटाफट। तो गाइस अभी जो है डॉग्स को फीड कर दिया, इन्हें खिला दिया अच्छे से, अब चलते हैं अंदर, हम भी खाना पीना खाते हैं। अभी मैं खा रहा हूँ रोटी और छोले, सीधी कर रहा था गाइस, सीधी करी है वीडियो के लिए, हमने कह रही सीधी कर ले, ऐसा लग रही है। चलो खाते हैं फटाफट। हमने पढ़ा इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो गाइस आज भी हमने 10 थोड़े से ज़्यादा पेज पढ़ दिए है एज यूजल, हमने सोचा पूरा ख़त्म ही कर देते हैं इस टॉपिक को। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा गाइस, 8 अक्टूबर 1932 को जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था, एयरफोर्स जो है इस्टेब्लिश हुई थी इंडियन एयरफोर्स, इसके अलावा धीरे धीरे इसके चेंजेस लेते गए। उसके अलावा हमने पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में, इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कितने इसमें जो है कमांड्स होती हैं ना, उसमें टोटल कमांड्स होती हैं गाइस 5 होती हैं ऑपरेशन कमांड्स और 2 होती हैं फंक्शनल कमांड्स। उसके बाद गाइस विंग्स के बारे में पढ़ा, स्क्वाड्रन्स के बारे में पढ़ा, फ्लाइट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद गाइस हमने पर्सनल का काम क्या होता है, किसी भी एक एयरमैन का क्या काम होता है,
ऑनररी ऑफिसर्स कौन कौन है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ऑनररी ऑफिसर थे, ऑफिसर, और जो कि अकेले ही हैं ऐसे जो सिविक सिविलियन हो गए जिन्हें एक ग्रुप कैप्टन की रैंक मिली थी। उसके बाद गाइस हमने पढ़े कुछ एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में, बस बेसिक बेसिक यही, मतलब बाकी मोटा मोटा तो यही है, बाकी डिटेल में तो बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सारी हैं। फिर तो एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो उनके नाम हैं, कुछ उनकी जगह हैं, क्या काम है उनका, सब कुछ मतलब पूरी डिटेल में, जो कि बहुत सारे हैं, टोटल हैं आई गेस 16 हैं। तो गाइस 16 के बारे में डिटेल में कितने सब कुछ हो जाता है आप खुद ही सोचिए, थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे ना बहुत कुछ हो, मतलब थोड़ा थोड़ा में इसमें भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस क्या इसी में हमारा जो है 10 पेज से ज़्यादा ही ख़त्म हो गए, 13 पेज तक पहुँच गए आज हम, कल 12 थे आज 13 हो गए हैं। चलो मतलब वो टॉपिक की बात थी, 13 क्या 14 भी होते हैं ना, मैं रुक नहीं पाता अपने आप, वो कंप्लीट करके ही रुका जाएगा। फिर कल एकदम पढ़ेंगे मिलिट्री हिस्ट्री एंड वॉर हीरोज़ के बारे में, ये पूरा ख़त्म ही करेंगे, ये तो कितने पेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा, वो तो बहुत ही ज़्यादा पेज है। तो गाइस एक दिन में तो नहीं हो पाएगा वो, कुछ कुछ हीरोज़ के बारे में मतलब डिवाइड करेंगे दो दिन में इसे, क्योंकि ये तो 20 से भी ज़्यादा पेज है। ठीक है, तो जो भी है अब पानी वाला टास्क करते हैं फटाफट, और आज के वीडियो को करते हैं ख़त्म, सारे टास्क करके ख़त्म हो जाएंगे पानी पी के। डन गाइस, तो इसी के साथ आज के होते सारे टास्क खत्म। वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपको कल एक और वीडियो में, यानी कि नई वीडियो में। ये था आई गेस डे 11, डे 10 कल अपलोड हुआ था, हाँ तो ये डे 11 है, कल डे 12 में मिलते हैं गाइस। और सपोर्ट दिखाओ यार, सपोर्ट नहीं मिल रही बढ़िया, मतलब यार वो पहले चल रहा था ना उतना भी नहीं चल रहा, तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा, हमारा काम हो रहा है बस वो बहुत है मान लिया, कुछ ना कुछ तो सीख रहा हूँ ना, सब डेवलपमेंट हो रहा है मेरा, वही बहुत है मेरे लिए, वीडियोज भी बन जाती है साथ साथ में, कुछ ना कुछ लोग तो देखते ही हैं। ठीक है गाइस, बाय।